हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जय अगम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 40 सॉल्व करूंगा, जो कि ऑक्सफोर्ड क्रेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से है। यदि यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। राम एक हाकिम क्यों नहीं होगा, तो शैल बी विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो पहले इसमें क्यों लगा हुआ है तो व्हाई लिख लेंगे। अब सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल का प्रयोग करेंगे तो राम, ठीक है, तो इसके साथ विल का प्रयोग होगा तो व्हाई विल, इसके बाद सब्जेक्ट राम। चूंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग करेंगे और नोट के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे। राम एक हाकिम क्यों नहीं होगा, वाई विल राम नॉट बी एन ऑफिसर। ध्यान देना है कि ऑफिसर क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और सिंगुलर कॉमन नाउन भी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा और चूंकि यहां पर वोवेल साउंड है इसलिए एन लगाए हैं। वाई विल राम नॉट बी एन ऑफिसर। अब है आप कैसे एमपी बनेंगे, तो सबसे पहले हाउ लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार तो यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे तो हाउ विल, और विल के ठीक बाद सब्जेक्ट हाउ विल यू। अब चूंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद बी लगा देंगे। आप कैसे एमपी बनेंगे, हाउ विल यू बी एन एमपी। ध्यान देना है यहाँ पे कि इसका जब हम प्रोनंसिएशन करेंगे तो वोवेल साउंड आता है एम, इसलिए यहाँ पर एन लगाया है, ठीक है। अब है वह एक कलाकार क्यों नहीं था, तो पहले वाई, और चूंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ध्यान रखना है, तो वाई और लास्ट में था है ना, तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाई वाज, इसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नोट, वह एक कलाकार क्यों नहीं था, वाई वॉज ही नोट एन आर्टिस्ट। ध्यान देना है कि यहां पर वोवेल साउंड है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो यहां पर एन लगाए हैं, ठीक है। दूसरी बात कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए पहले वाई, उसके बाद वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब तुम एक आदर्श पुत्र क्यों नहीं रहोगे, शैल बी विल बी का प्रयोग होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले वाई लिख लेंगे, वाई, अब सब्जेक्ट यू है तो यू के अनुसार विल, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाई विल यू नोट, और नोट के ठीक बाद बी। अब है एक आदर्श पुत्र, ठीक है, एन आइडियल सन, यहां पर ध्यान देना है कि वाई विल यू नॉट बी एन आइडियल सन। ध्यान देना है कि सन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले जो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एडजेक्टिव के प्रोनंसिएशन के हिसाब से यहां पर एन का प्रयोग होगा, चूंकि वोवेल साउंड है इसलिए एन लगाए हैं, वाई विल यू नॉट बी एन आइडियल सन। अब है आकाश क्यों लाल था, तो पहले वाई लिखेंगे, था है तो वाज का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार, आकाश क्यों लाल था, वाई वाज द स्काई, क्लियर। अब है चांद क्यों उदास है, वाई इज द मून सैड। एक चीज ध्यान देना है कि आकाश, ठीक है, उसके बाद चांद, हेवनली बॉडी है, ठीक है, आकाशीय पिंड है, तो इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। अब है सूर्य हमेशा क्यों गर्म रहता है, सबसे पहली बात कि यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले वाई लिख लेंगे। अब सब्जेक्ट के अनुसार इज हमार का प्रयोग होगा तो वाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट द सन, वाई इज द सन ऑलवेज हॉट,
सूर्य हमेशा क्यों गर्म रहता है? Why is the sun always hot? अब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति क्यों और कैसे है? यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले क्यों और कैसे, इसका इंग्लिश लिख लेंगे Why and how, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से अधिक है, ठीक है। यहाँ पर इज मार्क का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे, जैसे कि यदि रहता कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वही इज का प्रयोग यहाँ पर होगा, ठीक है। व्हाई एंड हाउ इज, इसके बाद सब्जेक्ट ऑनेस्टी है तो यहाँ पर लिखेंगे ऑनेस्टी, और इसके ठीक बाद सबसे अच्छी नीति द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि पॉलिसी के पहले बेस्ट लगा हुआ है और इसके पहले मैंने द लगाया। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है ना, गुड बेटर बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब है वह कैसे एक भारतीय नहीं है, तो पहले नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कैसे लगा हुआ है तो हाउ पहले लिख लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज लगेगा। हाउ इज ही नोट, वह कैसे एक भारतीय नहीं है, हाउ इज ही नोट एन इंडियन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए एन का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। और चूंकि वोवेल साउंड है तो यहां पर एन लगेगा। अब है तुम कैसे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, तो हाउ आर यू ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यहाँ पर ध्यान देना है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इसका देखिए प्रोफेसर क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और यूनिवर्सिटी इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसके ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग तो होगा, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यू, ठीक है, ये वोवेल साउंड नहीं है, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए लगाए हैं, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पहला लेटर इसका वोवेल है, इसका साउंड देखना पड़ेगा, ठीक है। हाउ आर यू ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अब है तुम कैसे यूरोपियन हो, हाउ आर यू एन यूरोपियन, तुम कैसे यूरोपियन हो, हाउ आर यू एन यूरोपियन, ठीक है। ये भी क्या है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर एन लगाए हैं। अब है तुम कैसे एक ईमानदार व्यक्ति हो, हाउ आर यू एन ऑनेस्ट मैन, गरीब क्यों गरीब रहेंगे, व्हाई शैल बी विल बी का प्रयोग होगा, ठीक है। व्हाई विल द पुअर बी पुअर, यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर द पुअर कहने से बहुवचन प्लूरल नंबर का सेंस क्रिएट होता है, एक से अधिक गरीब लोग, ठीक है। गरीब लोग क्यों गरीब रहेंगे, व्हाई विल द पुअर बी पुअर। कालिदास कैसे भारत के शेक्सपियर हैं, हाउ इज कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास कैसे भारत के शेक्सपियर हैं, हाउ इज कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब है ताजमहल क्यों आकर्षक है, व्हाई इज द ताजमहल अट्रैक्टिव, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या फिर हिस्टोरिकल प्लेस के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। राम का भारत का सोना क्यों प्रसिद्ध है, Why is the gold
ऑफ इंडिया इज फेमस। दूध क्यों गर्म है, यहां पर ध्यान देना है, व्हाई इज द मिल्क हॉट। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जनरली इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु यहां पर क्या है, दूध क्यों गर्म है, किसी निश्चित दूध का जिक्र है, इसलिए निश्चितता का बोध कराने के लिए पूर्व परिचित है, इसलिए द का प्रयोग किए हैं। लड़के क्यों उदास हैं, व्हाई आर द बॉयज सैड। यहां पर भी ध्यान देना है कि यहां पर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल कॉमन या फिर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं, किंतु यहां पर क्या है, निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किए हैं। लड़के क्यों उदास हैं, पूर्व परिचित हैं ये लड़के, इसलिए द का प्रयोग किए हैं। अब नदी कैसे गंदी है, व्हाई इज द रिवर डर्टी। ये तो सिंपल है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर द का प्रयोग होगा। नदी कैसे गंदी है, व्हाई इज द रिवर डर्टी। अब है क्या सोना कीमती नहीं होता है, इज गोल्ड नोट प्रीसियस। अब है क्या सोना अच्छा है, इज द गोल्ड गुड। यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर मैंने आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया, किंतु यहां पर मैंने किया, इसका रीजन ये है, वैसे तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, किंतु यहां पर क्या, क्या सोना अच्छा है, निश्चित है, पूर्व परिचित है, इसलिए निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग करेंगे। अब क्या गायें नेक हैं, आर द काउच जेंटिल। यहां पर भी क्या है, प्लूरल कॉमन या फिर काउंटेबल नाउन है, जनरली इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, किंतु यहां पर निश्चितता का बोध कराने के लिए, ठीक है, क्या गायें नेक हैं, निश्चित गायों का जिक्र है, इसलिए द का प्रयोग किए। क्या घोड़े उपयोगी हैं, आर द हॉर्सेज यूजफुल। यहां पर भी निश्चितता का बोध कराने के लिए ही प्लूरल कॉमन या फिर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किए हैं। अब है मानव जाति क्यों खतरे में है, व्हाई इज मैनकाइंड इन डेंजर। मानव जाति क्यों खतरे में है, व्हाई इज मैनकाइंड इन डेंजर, और मैनकाइंड के पहले जो है सो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, कब, जब व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग किया गया हो, और यहाँ पर ये व्यापक अर्थ में है, सभी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए है। अब यह बूढ़े लोग क्यों अक्लमंद होते हैं, व्हाई आर द ओल्ड वाइज। यहाँ पर ध्यान देना है कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के तरह किया जाता है, तब उनके पहले द लगाया जाता है, और यहाँ पर द ओल्ड का अर्थ हुआ कि एक से अधिक बूढ़े लोग, ठीक है, यानी कि बहुवचन में, प्लूरल नंबर में। अब है प्रशांत महासागर क्या सबसे गहरा महासागर नहीं है, इज द पैसिफिक ओशन नोट द डीपेस्ट ओशन। यहां पर ध्यान देना है क्या प्रशांत महासागर क्या सबसे गहरा महासागर नहीं है, इज द पैसिफिक ओशन नोट द डीपेस्ट ओशन। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द का प्रयोग किए हैं, और किसी भी सागर या फिर महासागर के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। उस कुएं का पानी क्यों मीठा था, व्हाई वाज द वाटर ऑफ दैट वेल।
कुएं का पानी क्यों मीठा था? Why was the water of that well sweet? उस कुएं का पानी क्यों मीठा था? Why was the water of that well sweet? अब यह चाय अच्छी थी. The tea was good. ध्यान देना है, अनकाउंटेबल नाउन है टी, किंतु द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए होगा, क्योंकि पूर्व परिचित है इस चाय के विषय में, वक्ता जानता है. ठीक है, चाय गर्म थी. द टी वाज हॉट, सेम थिंग है. अब चाय गर्म होती है तो यहाँ पर जनरली है, इसलिए टी इज हॉट. ठीक है, क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है. अब यह होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व क्यों है? Why is Holi the religious festival of Hindus? होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व क्यों है? Why is Holi the religious festival of Hindus? यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी भी पर्व त्योहार के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं. ठीक है, अब है अंग्रेजी सबसे लोकप्रिय भाषा क्यों नहीं है? Why is English not the मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज? अंग्रेजी सबसे लोकप्रिय भाषा क्यों नहीं है? Why is English not the most popular language? किसी भी भाषा के नाम के पहले, ठीक है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं. बुधवार सप्ताह का सबसे पहला दिन क्यों नहीं होता है? Why is Wednesday not the first day of the week? यहाँ पर ध्यान देना है, इस वीक के पहले द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यह countable है. ठीक है, बुधवार सप्ताह का सबसे पहला दिन क्यों नहीं होता है? Why is Wednesday not the first day of the week? दूसरी बात, सप्ताह के किसी भी दिन के नाम के पहले या फिर महीना के किसी भी महीनों के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं. अब है, क्या क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल नहीं है? Is cricket not the most पॉपुलर गेम? यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी भी खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग या द का प्रयोग नहीं करते हैं. क्या क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल नहीं है? इज क्रिकेट नॉट द मोस्ट पॉपुलर गेम? अब है, क्या जनवरी सुहावनी होती है? इज जनवरी प्लीजेंट? यहाँ भी जनवरी फरवरी कोई भी महीना का नाम है, ठीक है, तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे. क्या जनवरी सुहावनी होती है? इज जनवरी प्लीजेंट?